एनटीआर और सफलता क्यों है पर्यायवाची? ट्रिपल आर में एनटीआर के किरदार पर उठे सवाल पर क्या बोला था राइटर ने? किससे शुरुआत की थी एनटीआर ने? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जूनियर एनटीआर की पॉपुलैरिटी आज किसी भी बॉलीवुड एक्टर से कहीं ज्यादा है। ये लगभग 2 दशकों से तेलुगु सिनेमा में काम कर रहे हैं। इनका पूरा नाम नंदामुरी तारका राम राव है, जो पिछले काफी समय से ट्रिपल आर मूवी की शूटिंग में बिजी थे, जिसे साउथ के सबसे बड़े फिल्म निर्माता राजा मौली बना रहे हैं। इस फिल्म में एनटीआर के साथ रामचरण भी। ये फिल्म अलूरी राम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित है और इसमें एनटीआर कोमाराम भीम का किरदार निभा रहे हैं। वैसे एनटीआर जितने तेलुगु दर्शकों को पसंद है, उतने ही पसंद ये हिंदी भाषा बोलने वाले दर्शकों को भी है। इनकी हिंदी डब्ड फिल्में लोगों को बहुत पसंद आती हैं। जनता, गैराज, सोल्जर और सबसे ज्यादा हिट और चर्चित फिल्म टेम्पर है, जिसका बॉलीवुड में भी रीमेक बन चुका है। एनटीआर के दादाजी एक एक्टर थे, जिससे बचपन से ही एनटीआर के अंदर भी एक एक्टर बनने का जुनून जाग गया। एनटीआर ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी और 1991 में आई एक तेलुगु फिल्म ब्रह्मश्री विश्वमित्र से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। एनटीआर को इंडस्ट्री में सफल होने के लिए कुछ ज्यादा कठोर मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि एनटीआर के पास टैलेंट के साथ साथ फिल्मी बैकग्राउंड भी था। ये बचपन से ही एक नेचुरल एक्टर थे। ये एक्टिंग नहीं करते थे, बल्कि किरदार में समा जाते थे। 1996 में एनटीआर ने रामायण के ऊपर बनी एक फिल्म में काम किया था, जिसके लिए इनको बेस्ट बाल कलाकार का अवार्ड भी मिला था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2001 में आई फिल्म निन्नू चूडालानी से की। 2002 में इस समय साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर SS राजा मौली ने एनटीआर के साथ अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 बनाई, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद एनटीआर की और भी बहुत सारी फिल्में आई। इनकी फिल्म टेम्पर 2015 में आई, जिसे पूरी जगन्नाथ ने बनाया था और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। इस फिल्म में एनटीआर द्वारा निभाया एक भ्रष्ट पुलिस वाले का किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया था। इस फिल्म का सिम्बा नाम से हिंदी रीमेक भी बन चुका है, जिसमें रणवीर सिंह ने मुख्य किरदार निभाया था। एनटीआर की और भी बहुत सारी फिल्में जैसे सोल्जर, फैमिली, जनता गैराज, धामू, जयलव, कूसा इत्यादि फिल्में साउथ के साथ साथ हिंदी दर्शकों को भी बहुत पसंद आई। इस साल एनटीआर की रामचरण के साथ ट्रिपल आर फिल्म भी रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसमें हमें ये कोमाराम भीम के किरदार में नजर आएंगे। अपनी आने वाली फिल्म ट्रिपल आर में एनटीआर कोमाराम भीम का किरदार निभा रहे हैं। कुछ टाइम पहले जब इस फिल्म के पोस्टर जारी किए गए और इंटरनेट पर मोशन पोस्टर रिलीज हुए, तो एनटीआर का मुस्लिम लुक देखकर लोगों ने उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। लोगों ने कोमाराम भीम के किरदार को गलत तरीके से देखने के आरोप भी लगाए। तो इस पर ट्रिपल आर फिल्म के लेखक विजेंद्र प्रसाद जी ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उस समय के निजाम कोमाराम भीम को मारना चाहते थे, जिसकी वजह से कोमाराम निजामों को चकमा देने के लिए अपना भेष बदल कर रह रहा था। उसने मुसलमानों वाले भेष इसलिए बनाया था ताकि निजाम उसे पकड़कर मार ना सके। बता दें, तमाम कॉन्ट्रोवर्सी और पोस्टपोन्ड के चलते ट्रिपल आर अब 25 मार्च को रिलीज होने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या एनटीआर इस फिल्म में भी पास हो पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।